भाई पुलिस की गाड़ी लगी है। भीड़ देखिए कैसा लग रहा है आपको। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज लिटरली मेरे पास बहुत सारे काम है। पहला काम है कि मुझे जाना है 5 बैंकों में 5, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, 5 बैंकों में जाना है। 5 बैंकों में जाने के बाद मुझे जाना है अपने कॉलेज। अपने जो सीनियर है, अपने जो बड़े भाई साहब, हम बड़े भैया कह सकते हैं, वो खड़े हो रहे हैं फॉर द पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज। तो आज शायद से लास्ट डे है अपने कॉलेज में रैली वैली निकालने के लिए। तो आज बहुत बड़ी उनकी रैली होने वाली है, तो उनकी रैली में जाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भैया ने मुझसे पर्सनली कहा कि भैया आप आना करके यहाँ पे देखना, मजा आएगा आपको। तो मैं जाऊँगा वहाँ, देखूंगा और पूरी रैली दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है आज। बाकी फिर आऊंगा घर को। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में है हरी सब्जी रोटी और सामने अपना बैग तैयार है जिसके अंदर है अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक के और अपने कुछ एसेसरीज अपने व्लॉगिंग की। ये रहा अपना हेलमेट तैयार, सामने लगा है गोप्रो हेलमेट के और यहाँ पे बैठा चुलबुल मस्त धूप में सो रहा है टन्नो के भाई। खाना खा लिया अभी और ये देखो अपने जो पुराने गमले थे, ये डब्बे वाले, ये पापा ने यहाँ पे रख दिए इतने सारे, ये पेंट के डब्बे जो बचे हुए थे उनको गमला बना के हमने यहाँ पे रख दिए। पहले ये वहाँ पे थे मेन वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे रख दिए। ये डब्बे पापा ने फेंके नहीं, इनको यूज कर लिया। लेकिन अब ये है कि बहुत पहले से हमने लगा रखे थे, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, लेकिन 1 साल बाद हम लाए हैं अपने ये प्यारे प्यारे नए गमले। ये देखो आप, अब क्या लग रहे भाई, एक ही सिमेट्री में एक ही सीध में। अभी तो अपने पौधे जो है छोटे से बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे तब देखना आप कितने प्यारे लगेंगे। और साथ में हम सारे गमलों के लिए बना रहे हैं स्टैंड, सारे जितने भी गमले हैं ये सारे रखेंगे हम स्टैंड के ऊपर मस्त बिल्कुल। भाई साहब लौंडे मोंडे जितने भी लोग हैं ना सब जा रहे बाइक में। ये पता कहाँ के, ये सब कॉलेज वाले ही हैं, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहीं के बच्चे हैं ये। और जो हमारे यहाँ जो खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट, उन्हीं की रैली में जा रहे भयंकर बाइक वाइक बूम भाग कर करके। अभी देखना आप क्या हाल होने वाला कॉलेज में आज। चलो भाई निकला जाए फटाफट से। हमारी गली से बाहर निकलते ही जो रोड आती है वो रोड लद्दाख से कम है के। ये रोड देख रहे हो आप, ये रोड बन रही है धीरे धीरे। चलो काम हो रहा है इस रोड में, टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा काम हो रहा है। देखो यहाँ पे रोड में मिट्टी वट्टी डाल के सीमेंट डाल के सेट कर दिया मामला। भैया जी थोड़ा पीछे कर लो आप प्लीज। अच्छा आप आगे आ रहे हो, ठीक है ओके। यहाँ पे रोड में डाल रखी है मिट्टी है सीमेंट है, शायद सीमेंट है मिट्टी है कुछ तो है कि रोड सेट कर रखी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर शायद से अपनी मेन जो परत है वो डलेगी, मेन लेयर शायद से डाबर का तो चमन परास आता है भाई। यहाँ पे तो जाम लग गया भैया यार, बैंक सामने ही है मेरा, मेरा बैंक वहाँ पे है। एक से कल्टी मारते हैं अंदर ही अंदर, रॉन्ग साइड, सॉरी गाइज मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ बिकॉज अपना ना काम सामने ही है जस्ट। और यहाँ पे तो लंबा जाम लगा हुआ है देखो आप, तो थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ता है कभी कभी। HDFC बैंक कहाँ पर है भैया, ये रहा। चलो अबे यार जाम तो अभी भी लगा हुआ है यहाँ। अरे हाय मैं तो फंस गया। मैं जाऊँ कहाँ से अब यार, मैं तो उल्टा जा रहा हूँ, मेरा चलान कट जाएगा चलान। मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इस साइड घुस जाते हैं। अब यहाँ से मोड़ के ऐसे कर लेते हैं, अब हम हो चुके हैं इस तरफ के, और यहाँ से अपनी गाड़ी अंदर डाल देते हैं। ये जो मैंने अभी काम करा है अपने आप में बहुत रिस्की है, अगर वहाँ पे कोई पुलिस वाले भैया जी होते तो मेरा चलान कटता आराम से, लेकिन ये था कि किस्मत अच्छी थी यहाँ पे कोई था नहीं अभी, तो मेरा चलान बच गया। चल भैया सेकंड बैंक आ गया अपना, ये है यूनियन बैंक। भाई साहब अपनी गाड़ी जो है बहुत रिस्की जोन में है, ये वाइट पट्टी के अंदर ही अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अगर गाड़ी अंदर नहीं हुई तो पुलिस वाले आएंगे सीधे अपनी स्कूटी लेके भग जाएंगे भाई। तो अंदर ही है वाइट पट्टी यहाँ तक आ रही है, तो टायर ठीक है परफेक्ट है। स्कूटी देखो कितनी सारी स्कूटी लगा रखी है यहाँ पे बाबरे। अभी भाई 2 बैंक के काम तो हो गए, अभी जाना है 3रे बैंक में और फिर 4थे बैंक में और फिर 5वें बैंक में और फिर कॉलेज। भाई कॉलेज से फोन पे फोन आ रहे कि भाई कॉलेज आ जाओ यहाँ पे भीड़ लग रही है लेकिन बैंक का काम पहले है।
फिर कॉलेज है। मेरे GoPro में बैटरी नहीं है भाई, वाह मात्र 7% बैटरी बची और कॉलेज से फोन पे फोन आ रहे दोस्तों को मेरे कि भाई कॉलेज आ जाए, यहाँ पे तगड़ी वाली भीड़ हो गई है, यहाँ पे खतरनाक भीड़ हो गई, यहाँ पे आ जाए भाई रैली देख ले। तो भाई अभी काम छोड़ के अपन बैंक के जा रहे हैं अपने कॉलेज की साइड और वहाँ देखते हैं रैली वगैरह, सपोर्ट करते हैं, देखते क्या माहौल है और फिर करेंगे काम अपने बैंक के। यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और भाई माहौल देखो भाई, भाई साहब खतरनाक भाई, भीड़ बढ़िया भाई बढ़िया। क्या है चैनल का नाम? सब आ गए आप लोगों को देखिए 3 लाख लोकल, ठीक है। ओ चलो भाई थैंक यू, और हेल्प कर दो यार अब निकालने में यहाँ से। चलो भाई ओके भाई थैंक यू ओके। इस रोड में सीधे भाई इतने फोन करे आज यहाँ पे और आ गए और भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे लिटरली, और भाई साहब बढ़िया भाई भीड़ अंदर पूरा ग्राउंड पैक है भाई। भाई क्या है ये भीड़ क्या है? हम चढ़े अभी छत में यहाँ पे और भाई यहाँ से देख रहे नीचे भाई पूरी तगड़ी भीड़ है। यहाँ देखो भाई मेरे फैंस देख रहे हैं, मेरे फैंस हेलो, मेरे फैंस है वो, मुझे जानना है भाई यहाँ पे रैली निकल रही है लेकिन ये हनुमान जी शिव जी क्यों आ गए यहाँ? आ गए भाई अपने प्रेसिडेंट साहब आ गए यहाँ पे ये, अरे भाई गजब यार फाइनली आ चुके हैं अपने प्रेसिडेंट साहब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच इतनी भीड़ के लिए, इतने समर्थन के लिए, बाकी रैली निकालते फिर बात करते हैं। पूरी पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पे ताकि कुछ भी अगर इंसिडेंट हो तो देख सके। सर भीड़ देखिए कैसा लग रहा है आपको? इतनी भीड़, बाप रे बाप। हेलो सर, हेलो देखिए भाई लिटरली मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, मैं देख रहा हूँ और भाई मजा आ गए देख के। रोडों का हाल देखो भाई, रोडों का हाल सारी होर्डिंग सारे पैम्पलेट गिरे हुए हैं। भाई पहले रैली हुई, रैली के बाद यहाँ पे है खाना और भाई खाने में इतनी भीड़ है भाई, यहाँ पे खाना नहीं मिलने वाला भाई, इतनी भयंकर भीड़ लोग एक दूसरे के सर पे चढ़ के उनके बाल नोच के खाना खा रहे भाई यहाँ पे। भाई साहब ये होता सिस्टम इलेक्शन का कॉलेज के, रैली निकालो भागाओ नारे लगाओ फिर खाना खिलाओ फिर खाने में, ऐसा हाल होता है यहाँ। फाइनली गाइज करके आ गया हूँ मैं, खाना वाना खा लिया वहीं और अब जा रहा हूँ बैंक का काम करने के लिए, बिकॉज बैंक हो गए थे मेरे बंद, मेरे नहीं अब बैंक हो गए थे बंद, मेरे बैंक कहाँ से आ गए
मैं वहाँ पहुंचा था 12:30 बजे, ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 12:30 से पूरा 2:30 बजे तक मैं वही रहा। और 1:30 बजे अपने बैंक हो जाते हैं बंद, और 1:30 बजे के बाद 3 बजे बैंक खुलते हैं बिकॉज ऑफ लंच ब्रेक, पूरा 1.5 आवर का लंच ब्रेक होता है। तो अभी 3 बज गए, अब चलते हैं बैंक और अपना काम करके आते फटाफट से। चलो हो चुका है अपना 3रा बैंक भी। सॉरी गाइस, गलती मेरी थी, 5 बैंक ही नहीं है, 4 बैंक ही है। अब लास्ट बैंक बचा है भाई, शाम के 4 बज गए यार, सर दर्द हो रहा है पता है, सुबह के 11 बजे से बाहर हूँ। चलो भाई फाइनली लास्ट बैंक है ये, अब यहाँ चलते हैं। चलो सर मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो गया बाहर से, तो मैं घर पहुँच गया था, ऑलमोस्ट 1 घंटा सोया मैं, और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई।